सो हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल गेट बाई फॉर इंजीनियर्स इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था अबाउट बेंडिंग क्या होता है किस तरीके से मोमेंट ऑफ अ कपल लगता है अबाउट ट्रांसफर सेक्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट देता है एंड उसके बाद हमने देखा था वॉट आर दजम्पशंस इन द थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग उसमें हमने हर अलग अलग अजम्पन्स देखे उनके इंटरप्रिटेशन देखे नाउ इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग सो राइट डाउन नेक्स्ट एडिंग थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग इसमें लिखिए ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग एक्स्ट्रेसेस डेवलप्स इन दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन विच वेराइज लीनियरली फ्रॉम 0 at neutral axis to maximum at top and bottom surfaces, and it is given by sigma by y is equals to m by i is equals to e by r. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि दैट ड्यू टू बेंडिंग बेंडिंग की वजह से क्या हो रहा है नॉर्मल स्ट्रेसेस आर अप इन द मटेरियल मटेरियल में क्या हो रहा है स्ट्रेसेस आ रहे हैं किस डायरेक्शन में आ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आ रहे हैं डैट इज परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन सो परपेंडिकुलर टू द्रॉस सेक्शन जो स्ट्रेसेस लगते हैं उसको क्या बोलते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं सो बेंडिंग की वजह से क्या हो रहा है नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं उन स्ट्रेसेज को हमने क्या बोला बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड दीज स्ट्रेसेस आर वराइंग लीनियरली लीनियरली वराय कर रहे कौन से एजम्प्शन से अजम्प्शन नंबर वन एंड फाइव दोनों को हमने क्लब किया तो वहाँ से मिला हमें कि बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसा वेरिएशन देते लीनियर वेरिएशन देते विच इज जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट टॉप और बॉटम सर्फिस और इसका वेरिएशन कैसा आता है सिग्मा बाय वाई इज इक्वस टू एम बाय आई इज इक्वस टू ई बाय आर सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग ये क्या है दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग नाउ इसमें सिग्मा क्या है इन दिस इक्वेशन व्हाट इज सिग्मा सिग्मा इज बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे सिग्मा इज बेंडिंग स्ट्रेस ऑन अ फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस ठीक है ना कई सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि स्मॉल वाई ही डिस्टेंस क्यों लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस से ऐसा क्या है कि हम न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं सिग्मा के लिए तो वो आपको समझ में आ गया होगा लास्ट क्लास में जब हमने वहाँ पे स्ट्रेन कैलकुलेट किया था ऑन डी फाइबर ई एफ ई एफ फाइबर पर जो हमने स्ट्रेन कैलकुलेट किया था उस ई एफ फाइबर का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना था वाई और उस ई एफ फाइबर पर स्ट्रीम साइडेड एंड स्ट्रीम से हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए थे बाय यूजिंग अजम्पशन नंबर वन वहां से आता है दैट सिग्मा इज द स्ट्रेस ऑन अ फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस तो सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है वाई पे सिग्मा उस फाइबर पे स्ट्रेस है जो कि न्यूट्रल एक्सिस से स्मॉल वाई डिस्टेंस है बॉटम में भी हो सकता है टॉप में भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है सिग्मा इज द स्ट्रेस ऑन अ फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस वॉट इज आई आई इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इसको सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आई इज वॉट आई इज एरिया मोवमेंट ऑफ इनर्जिया और यू कैन सी सेकंड मोवमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सेस न्यूट्रल ऑक्सी के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी आए नेक्स्ट आर क्या था आर आर इज रेडियस ऑफ करवेचर एंड वन बाय आर को बोला जाता है इट इज कर्वेचर, सो आर क्या है आर रेडियस ऑफ कर्वेचर एक किसका आर रेडियस ऑफ कर्वेचर उस आर्क का है जिस आर्क में क्या हो रहा है मेंबर डिफ्लेक्ट हो रहा है मेंबर इज डिफ्लेक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल एंड उस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज नथिंग बट उसको क्या बोलते रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड वन बाय आर इज से मैं क्या कर रही है सो इफ आई सी वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस अलॉन्ग क्रॉस सेक्शन सो दिस इज देंबर दिस मेंिस एंड ड्यू टू मोमेंट क्या हो रहा है इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं नाउ इफ यू वांट टू सी द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस सो बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे बढ़ाई कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस आर लीनियरली फ्रॉम जीरो आर्ट न्यूट्रल एक्सेस क्या आपको यहाँ पे न्यूट्रल एक्सेस दिखेगा यू विल से नो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सेस नहीं दिखेगा दिस इज दॉन्गिट्यूडनल सेक्शन न्यूट्रल एक्सेस कहाँ पे दिखता है हमेशा क्रॉस सेक्शन में दिखता है तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल एक्सेस नहीं दिखेगा आपको सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा

कॉम्प्रेशन आएगा सो so, टॉप में कॉम्परेशन आ रहा है बॉटम में क्या हो रहा है टेंशन आ रहा है लाइक दिस टॉप में कॉम्प्रेशन आ रहा है बॉटम में टेंशन आ रहा है सेंटर न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस कितना है जीरो टॉप में कितना है मैक्सिमम बॉटम में कितना है मैक्सिमम और इफ़ देयर इज अ फाइबर व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इस पे कितना स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा

यू विल मेजर डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम दी न्यूट्रल फाइबर आप न्यूट्रल फाइबर से उस फाइबर का डिस्टेंस मेजर करेंगे सो so, रेफरेंस क्या हो गया मेजरमेंट का मेजरमेंट का रेफरेंस हो गया न्यूट्रल एक्सिस अगर आप क्रॉस सेक्शन में मेजर करेंगे क्रॉस सेक्शन में तो आप मेजर करेंगे फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस और अगर आप अलॉन्ग दी सेक्शन में मेजर करोगे तो कहाँ से मेजर करोगे फ्रॉम दी न्यूट्रल फाइबर सो इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट स्ट्रेस ऑन दिस फाइबर ये जो येलो डॉट बता रहा हूँ इस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस निकालने तो आप कहाँ से मेजर करेंगे वाई फ्रॉम दी न्यूट्रल फाइबर और न्यूट्रल एक्सिस। अगर आपको टॉप सरफेस पे स्ट्रेस निकालना है तो टॉप सरफेस के लिए भी आप कहाँ से मेजर करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूट्रल फाइबर सो टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस का डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूट्रल फाइबर कितना होगा इट इज़ नथिंग बट वाई मैक्स मैक्सिमम डिस्टेंस है ठीक है तो वहाँ पे स्ट्रेसेस भी क्या है स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम दैट इज सिग्मा मैक्स सो so, किसी भी फाइबर पे आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस और यू कैन से फ्रॉम दी न्यूट्रल फाइबर ये तो मैं बता रहा हूँ अलोंग दी लेंथ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें इफ़ आई ड्रॉ क्रॉस सेक्शन सो अगर एक मैं छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ और उस एलिमेंट के लिए क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करता हूँ मैं सो सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन एंड इस क्रॉस सेक्शन में अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट करूँ तो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस ठीक है दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस इन द क्रॉस सेक्शन नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट स्ट्रेस ऑन अ फाइबर विथ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सेस लाइक दिस सो दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सेस तो अगर मैं अलॉन्ग दी क्रॉस सेक्शन आपको stress का variation बताओ तो अलॉन्ग द्रॉस सेक्शन स्ट्रेस का वेरिएशन विल भी देखिए किस तरीके से हम अलॉन्ग दी क्रॉस सेक्शन का वेरिएशन बता सकते हैं सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस अलॉन्ग द्रॉस सेक्शन ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस अलॉन्ग द्रॉस सेक्शन नाउ यहाँ पे देखिए कैसा मोमेंट लग रहा है मोमेंट इज सैगिंग सैगिंग मोमेंट लग रहा है सो so, अगर मोमेंट सैगिंग लग रहा है तो इन दैट केस टॉप में क्या आएगा टॉप में आएगा कॉम्परेशन बॉटम में क्या आएगा टेंशन तो टॉप में स्ट्रेसेस कैसे आएंगे कॉम्परेसिव दैट इज टूवर्ड्स दुवर्ड्स द मटेरियल ठीक है ये स्ट्रेसेस का डायरेक्शन देखिए दिस स्ट्रेसेस आर एक्टिंग टूवर्ड्स दी मटेरियल टूवर्ड्स दी मटेरियल स्ट्रेसेस लग रहे हैं एंड बॉटम में क्या आएगा टेंशन तो बॉटम में स्ट्रेसेस कैसे लगेंगे अवे फ्रॉम दी मटेरियल बॉटम में क्या आ रहा है टेंशन तो इस तरीके से भी स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है टॉप में वैल्यू ऑफ वाई मैक्सिमम एट टॉप वैल्यू ऑफ वाई मैक्सिमम तो यहाँ पे, पे अगर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है सपोज यू वॉन्ट टू कैलकुलेट स्ट्रेस फाइबर दिस इस फाइबर पे स्ट्रेस कैलकुलेट करना है कैलकुलेट स्ट्रेस लाइक दिस सो ये जो स्ट्रेस आ रहे हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस फाइबर डेट इज सिग्मा सो सिग्मा इज द स्ट्रेस ऑन द फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस न्यूट्रल एक्सेस से स्मॉल वाई डिस्टेंस पे जो फाइबर है उसका उस पर कितना स्ट्रेस आ रहा है उस पर स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा समझ में आया सो so, इस तरीके से भी स्ट्रेस के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं मैंने इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट पे अलोंग दी क्रॉस सेक्शन आपको स्ट्रेस का वेरिएशन बताया ठीक है ये क्या था ये टू रिप्रेजेंटेशन है इसी का टू रिप्रेजेंटेशन है तो में आया अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रेस को इस तरीके से जीरो जीरो साइड ड्रॉ करें, करें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो दोनों साइड भी ड्रॉ कर सकते हो या एक साइड भी ड्रॉ कर सकते हो उससे कोई इशू नहीं है ठीक है इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बस जब आप दोनों साइड ड्रॉ करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा डेट यहाँ पे टॉप में क्या आ रहा है कॉम्परेशन बॉटम में आ रहा है टेंशन ठीक है और जब आप एक ही साइड ड्रॉ करोगे तो एरो से समझ में आ जाएगा इफ द इज़ टूवर्ड्स द मटेरियल दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है कॉम्परेशन एंड इफ द एरो इज अवे फ्रॉम दी मटेरियल तो यहाँ पे क्या आ रहा है टेंशन तो वो एरो से समझ में आ जाता है क्लियर है सो इस तरीके से भी आप क्या करते हैं स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ बैंडिंग दैट इज इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग इसके बारे में हम कुल डिस्कशन करेंगे सो द इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग वॉज सिग्मा बाय वाई इज इक्वस टू एम बाय आर इज इक्वस टू ई बाय आर नाउ बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन अबाउट दिस इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग यहाँ पे एक चीज आपको बतानी है दैट इज द रिलेशन बिट्वीन सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा सिग्मा मैक्स और सिग्मा के बीच में एक रिलेशन है दैट इज देखिए यहाँ से देखिए दिस इज अ ट्रायंगल ठीक है दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज स्मॉल ट्रायंगल देर आर टू ट्रायंगल्स वन इज दिस बिग ट्रायंगल एंड वन इज दिस स्मॉल ट्राइंगल अगर इसका मैं नेमिंग करूँ दिस इज एन दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी एंड दिस इज ई सो इफ आई राइट इन ट्राएंगल एन ए बी एंड एन ई सी ठीक है इन ट्राइंगल एन ए बी एंड एन ई सी क्या ये दोनों ट्राएंगल सिमिलर है एन ए बी एंड एन ई सी आप देखिए बोट द ट्राएंगल्स आर सिमिलर सो कैन आई राइट कैन आई राइट सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई ठीक है सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा इस रिलेशन को हम आगे यूज करेंगे दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पे एक बार बता दिया दैट सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई देखिए सिग्मा क्या है सिग्मा इज स्ट्रेस ऑन अ फाइबर और विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्स तो जितना मैक्सिमम वाई की वैल्यू होगी उतना स्ट्रेस ज्यादा होगा सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई है सो जितना ज्यादा वाई की वैल्यू होगी उतना ज्यादा सिग्मा है सो जहाँ पे वाई मैक्सिमम है वहाँ पे सिग्मा भी मैक्सिमम है तो सिग्मा बाय वाई का जो रेशियो रहता है सिग्मा बाय वाई का रेशियो दैट इज कॉन्स्टेंट सो सिग्मा बाय वाई इज इक्वस टू सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्योर बिल्डिंग सिग्मा बाय वाई इज इक्वस टू एम बाय इज इक्वस टू ई बाय आर नाउ वॉट आई एम डूइंग आई एम कंसिडरिंग फर्स्ट टू टर्म्स फर्स्ट टू टर्म्स को ले रहे हैं और इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और कुछ रिजल्ट इससे डिराइव करेंगे सो आई एम राइटिंग सिग्मा बाय वाई इज इक्वस टू एम बाय आई नाउ अभी हमने देखा डेट सिग्मा बाय वाई इज इक्वस टू सिग्मा मैक्स बाय वाई मैक्स सो आई कैन राइट सिग्मा मैक्स बाय वाई मैक्स इज इक्वस टू एम बाय आई मैक्स इज इक्व टू एम बाय आई इंटू वाई मैक्स अब देखिए मैं सिग्मा मैक्स की टर्म्स में मैं क्यों एनालिसिस कर रहा हूँ बिकॉज दिस सिमा मैक्स इज द मैक्सिमम स्ट्रस विच इज डेवलपिंग ऑन अ सेक्शन सिग्मा मैक्स क्या है मैक्सिमम स्ट्रेस है जो एक सेक्शन पे डेवलप हो रहा है किस सेक्शन पे जिस सेक्शन पे की मोमेंट लग रहा है एम जिस सेक्शन का सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए है एंड वाई मैक्स क्या है उस सेक्शन पे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस वाई की मैक्सिमम वैल्यू है न्यूट्रल एक्सिस से तो सिग्मा मैक्स क्या है सिग्मा मैक्स इज मैक्सिमम स्ट्रेसेस व्हिच इज डेवलपिंग ऑन अ क्रॉस सेक्शन इसको आप समझिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोज

लोड लग रहा है है सेंटर में दिस ठीक सो आपसे पूछा है कि इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे बता दीजिए मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितने आ रहे हैं तो इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेसेस बताने हैं तो व्हाट यू हैव हैव टू टू डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑन दिस एक्सएक्स क्रॉस सेक्शन इस एक्सएक्स क्रॉस सेक्शन पे मोमेंट निकालना पड़ेगा कैसे निकालना ये हमें आता है एक्सएक्स क्रॉस सेक्शन के राइट right में देख लो या लेफ्ट में देख लो तो सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इधर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट ऑफ द सेक्शन विल गिव यू बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन तो वहां पे आपने मोमेंट निकाल लिया एक्सएक्स क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और एक्सएक्स क्रॉस सेक्शन पे वाई मैक्स की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा वहां से आपको एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे सिग्मा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि भाई ये तो प्योर बेंडिंग का केस नहीं है तो इसमें कैसे लगा दिया आपने अभी हमने डिस्कस किया है दैट इन द फॉर न्यूमारिकल फॉर न्यूमारिकल्स यू कैन अप्लाई दिस आपको न्यूमारिकली वैल्यू निकालना है सिग्मा मैक्स की तो यू कैन अप्लाई दिस अगर थ्योरिटिकली बात करेंगे तो यू विल से नो हम नहीं लगा सकते बट अगर आपको न्यूमारिकल सॉल्व करना है आपको डिजाइन करना है तो यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन सो क्या है सिग्मा मैक्स सिग्मा मैक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस क्रॉस सेक्शन इस क्रॉस सेक्शन पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है ठीक है दैट इज वाई सिग्मा मैक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि दिस इज द क्रिटिकल स्ट्रेस ऑन द क्रॉस सेक्शन ठीक है क्रिटिकल स्ट्रेस है अगर कोई क्रॉस सेक्शन फेल होगा तो इस स्ट्रेस की वजह से ही फेल होगा समझ में आया सो दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ वॉट इन टर्म्स ऑफ सिग्मा मैक्स सो सिग्मा मैक्स इज इक्व टू एम बाई आई इन टू वाई मैक्स अब इसमें आप देखिए इसमें आप देखिए कि सिग्मा मैक्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं सिग्मा मैक्स इज डिपेंडिंग ऑन सबसे पहला तो लोड लोड मतलब एम लोड की वजह से ही तो मोमेंट आ रहा है तो सबसे पहला डिपेंड कर रहा है सिग्मा मैक्स ऑन मोमेंट मोमेंट पे डिपेंड कर रहा है ठीक है तो so, हमने क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर दिया उसके अकॉर्डिंग मोमेंट निकाल लिया सिग्मा so, मैक्स किस पे डिपेंड करेगा सबसे पहले तो मोमेंट पे डिपेंड करेगा इस एम पे ठीक है जो कि किसकी प्रॉपर्टी है लोडिंग की प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है लोडिंग ठीक है दूसरा सिग्मा मैक्स किस पे डिपेंड कर रहा है आई पे वॉट इज आई आई इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ दी क्रॉस सेक्शन ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ दी क्रॉस सेक्शन एंड किस पे डिपेंड कर रहा है वाई मैक्स पे वाई क्या है वाई मैक्स क्या है इट इज द डिस्टेंस ऑफ फादर मोस्ट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस से उस फाइबर का डिस्टेंस है जो कि सबसे ज्यादा दूर है वाई मैक्स न्यूट्रल एक्सिस से उस फाइबर का डिस्टेंस है जो कि न्यूट्रल एक्सिस से सबसे ज्यादा दूर है तो दिस मैक्स सिग्मा एक तो एम पे और आई पे एंड वाई पे हियर आई एंड वाई मैक्स आई एंड वाई मैक्स दिस बोथ आर व्हाट दिस बोथ आर प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अगर मुझे सिग्मा मैक्स को एनालाइज करना है कि वो किस तरीके से बराय कर रहा है तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्रॉस सेक्शन में कि, कि किस तरीके से बनाए कर रहे हैं क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन की दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है आई पे भी डिपेंड करता है वाई पे भी डिपेंड करता है एंड आई एंड वाई बोथ आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर जैसे आप क्रॉस सेक्शन चेंज करोगे तो उसका आई भी चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा सो क्या किया है इसके लिए आई एंड वाई को कंबाइन करके एक नया क्रॉस सेक्शन का टर्म बनाया है डैट इज आई अपॉन वाई मैक्स एंड दिस आई अपॉन वाई मैक्स इज कॉल्ड एज सेक्शन ठीक है क्यों बनाया i upon Ymax, i अपॉन मैक्स क्योंकि भी क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी थी y मैक्स भी क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है सिग्मा क्रॉस सेक्शन की दोनों -दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करना था जो दोनों इंटर डिपेंडेंट है दैट इज वाई क्या किया है i एंड y मैक्स को कंबाइन करके क्रॉस सेक्शन का एक नया प्रॉपर्टी बना दिया उसको क्या बोला इट इज Z दैट इज सेक्शन इसको क्या बोलते हैं जेड इसको डिनोट करते हैं जेड से सो so, सिग्मा मैक्स क्या हो गया अब सिग्मा मैक्स इज एम बाई जेड अब देखिए अब यहाँ से क्या एडवांटेज आया है यहाँ से ये एडवांटेज आया है कि सिग्मा मैक्स क्रॉस सेक्शन की एक ही प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है हम बोल सकते हैं अगर z की वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो सिग्मा मैक्स क्या होगा कम होगा अगर z की वैल्यू को कम करोगे तो सिग्मा मैक्स क्या होगा बढ़ेगा यहाँ पे बोल नहीं सक रहे थे यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ पे देखो यहाँ पे आप बोल नहीं सक रहे थे अगर i की वैल्यू को बढ़ाते तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि सिग्मा मैक्स कम होगा क्यों अगर आप i की वैल्यू को बढ़ाओगे तो उसका इम्पैक्ट y मैक्स पे भी पड़ेगा तो अगर आपने i की वैल्यू को बढ़ाया तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सिग्मा मैक्स कम हो जाएगा या अगर आपने आई की वैल्यू को कम किया तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सिग्मा मैक्स बढ़ जाएगा समझ में आया सो so, इस इक्वेशन से आपने सिग्मा मैक्स कैलकुलेट किया है फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन सपोज इस सेक्शन पे आपने सिग्मा मैक्स कैलकुलेट किया ठीक है फॉर अ पर्टिकुलर लोड पी आपने क्रॉस सेक्शन दिया है और आपने इस एक्स एक्स सेक्शन पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस कैलकुलेट की बाय दिस इक्वेशन इस इक्वेशन से आपने मैक्सिमम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लिए ठीक है मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ रहे हैं हंड्रेड ठीक है मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितने आ गए हंड्रेड पर ये मटेरियल फेल हो जाता है किस पे ये मटेरियल फ़ेल हो जाता है एट्टी पे मैक्सिमम स्ट्रेसेज आ गए हंड्रेड न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बट ये मटेरियल जो है वो एटी पर ही फेल हो जाता है अगर मटेरियल एटी पर ही फेल हो जाता है आपके मेंबर में मैक्सिमम स्ट्रेसेज आ रहे क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेसेज आ रहे हैं हंड्रेड न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो आप क्या बोलोगे आप इस सेक्शन को मॉडिफाई करिए और ऐसा बनाइए इस सेक्शन को कि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितने आ जाए एटी तो आप क्या बोलोगे आय को बढ़ाओ पर आय को बढ़ाने से रिजल्ट वाई पे एक्स पे भी आ रहा है तो यू कैन नॉट से कि आय को क्या करें कितना बढ़ाए कितना नहीं बढ़ाए वहां से आप बता नहीं सकते थे बट हियर फ्राई दिस इक्वेशन आप क्लियरली बता सकते हो इफ सिग्मा मैक्स इज कमिंग आउट टू बी हंड्रेड सिग्मा मैक्स इज कमिंग आउट टू बी हंड्रेड आपको क्या करना है आपको जेड को बढ़ाना है अगर आप जेड को बढ़ाओगे तो सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बट यहाँ पे आपका सिग्मा मैक्स की वैल्यू अगर 100 आ रही थी तो आप नहीं बोल सकते कि आय को बढ़ा दो या आय को कम कर दो क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिग्मा मैक्स की वैल्यू हंड्रेड आ रही है आपको सिग्मा मैक्स को रिड्यूस करना है एटी पे तो आप क्या बोलोगे आय को बढ़ाओ आय को बढ़ाओगे तो सिग्मा कम होगा पर आय को बढ़ाओगे तो वाई भी बढ़ेगा तो आप क्लियरली नहीं बोल सकते कि सिग्मा कम होगा ही या नहीं होगा बट हियर यू कैन से क्लियरली डैट अगर सिग्मा मैक्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है तो जेड को बढ़ाना है बट यहाँ से आप बोल नहीं सकते कि आय बढ़ेगा तो सिग्मा कम होगा यहाँ से आप बोल सकते हो कि जेड बढ़ेगा तो सिग्मा कम होगा समझ में आया इसलिए क्या किया आय एंड वाई मैक्स को हमने क्या किया कंबाइन कर दिया और एक नया प्रॉपर्टी डिफाइन किया क्रॉस सेक्शन का उसको हम क्या बोलते हैं सेक्शन मॉड्यस बोलते हैं एंड दिस सेक्शन मॉडुलर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म इन फॉर बेंडिंग इन बेंडिंग दिस सेक्शन मॉड्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है देखिए क्यों सिग्मा मैक्स क्या है सिग्मा मैक्स इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच इज डेवलपिंग ऑन अ क्रॉस सेक्शन जिस क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है एम जिस क्रॉस सेक्शन का सेक्शन मॉडेला से जेड सो सिग्मा मैक्स इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन अ क्रॉस सेक्शन जिस क्रॉस सेक्शन पे बेंडिंग आ रही है एम बेंडिंग मोमेंट एम ए और उस क्रॉस सेक्शन का सेक्शन मॉडेला से जेड ठीक है ये समझ में आ गया नाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज दिस इक्वेशन इस इक्वेशन को मैं एनालाइज करूंगा कैसे एनालाइज करूंगा इसमें एक एक टर्म को कॉन्स्टेंट करूंगा पहले सिग्मा मैक्स को कॉन्स्टेंट कर दूंगा फिर एम को पहले सिग्मा मैक्स को कर दूंगा, एम और जेड में रिलेशन देखूंगा कि क्या रिलेशन आ रहा है फिर M को कर दूंगा सिग्मा मैक्स और एम में रिलेशन देखेंगे सो so, इस तरीके से इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा एम को कॉन्स्टेंट करूंगा सिग्मा मैक्स और जेड में रिलेशन देखूंगा फिर सिग्मा मैक्स को कांस्टेंट करेंगे एम और जेड में रिलेशन देखेंगे और सबसे लास्ट में क्या करेंगे हम जेड को कांस्टेंट करेंगे तो सबसे पहले देखिए इफ़ एम इज कांस्टेंट। अगर मैंने एम को कांस्टेंट कर दिया इफ़ एम इज कांस्टेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जितना ज़्यादा आप जेड को बढ़ाओगे उतना सिग्मा मैक्स कम होगा ठीक है अगर एम को कॉन्स्टेंट कर दिया है ठीक है तो जितना ज़्यादा Z को बढ़ाओगे उतना सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या होगी रिड्यूस होगी जितना Z की वैल्यू को बढ़ाओगे उतना सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या होगी रिड्यूस होगी तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इफ M इज कॉन्स्टेंट इफ M इज कॉन्स्टेंट सो Z अगर बढ़ेगा Z अगर बढ़ेगा तो चांस ऑफ फेलियर रिड्यूस हो जाएगा चांसेस ऑफ फेलियर क्या हो जाएंगे रिड्यूस हो जाएंगे बोल सकते हैं कि नहीं देखिए Z को बढ़ा रहे तो क्या हो रहा है सेक्शन में जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है वो कम हो रही है सपोज सेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेस के हंड्रेड Z की कोई एक वैल्यू थी Z की वैल्यू टेन थी तो मैक्सिमम स्ट्रेस थे हंड्रेड Z की वैल्यू को ट्वेल्व किया तो मैक्सिमम स्ट्रेस रिड्यूस होकर क्या होगा एटी सो so, जैसे जैसे आप Z की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो मैक्सिमम स्ट्रोसेस कम होते जा रहे हैं इसका मतलब क्या है अगर आप Z की वैल्यू को बढ़ाओगे

कि जो क्रॉस सेक्शन है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेसेस सिग्मा मैक्स से ज्यादा स्ट्रेसेस आ नहीं सकते ठीक है आपको कुछ भी करना है पर सिग्मा मैक्स से ज्यादा स्ट्रेस नहीं आने चाहिए क्रॉस सेक्शन में तो आपने क्या किया क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेसेस को फिक्स कर दिया कि क्रॉस सेक्शन में सिग्मा मैक्स से ज्यादा स्ट्रसेस नहीं आने चाहिए तो उस केस में देखिए इफ सिग्मा मैक्स इज कॉन्स्टेंट तो जितना ज्यादा जेड को बढ़ाओगे उतना एम भी बढ़ा सकते हो सो so, जितना मैं Z को बढ़ाऊँगा उतना M को भी बढ़ा सकता हूँ प्लीज़ मार्क माई लैंग्वेज आई एम नॉट से जितना Z को बढ़ाऊँगा उतना M बढ़ेगा M क्या है M एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट M इज़ दी फोर्स फोर्स का कॉम्पोनेंट ही है तो जितना ज़्यादा मैं Z को बढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा मैं M को भी बढ़ा सकता हूँ समझ में आया अगर मैंने सिग्मा मैक्स को कांस्टेंट कर दिया तो जितना ज़्यादा मैं Z को बढ़ाऊंगा उतना M को भी बढ़ा सकता हूँ मेरा सेक्शन फेल नहीं होगा सो इफ़ सिग्मा मैक्स इज कांस्टेंट, तो जितना ज़्यादा आप Z को बढ़ाओगे उतना M को भी बढ़ा सकते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इफ़ सिग्मा मैक्स इज कॉन्स्टेंट तो जेड बढ़ाओगे तो सेक्शन की मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी बढ़ेगी समझ में आया अगर सिग्मा मैक्स को कांस्टेंट कर दिया आपने आपने बोला कि सेक्शन में इससे ज्यादा स्ट्रोस इस नहीं आने चाहिए तो जितना आप जेड को बढ़ाओगे उतना आप मोमेंट को भी बढ़ा सकते हैं आप ज़्यादा लोड लगा सकते हैं जेड बढ़ा के तो अगर सिग्मा मैक्स कांस्टेंट है और आप जेड को बढ़ा रहे हो डैट मीन्स आप क्या कर रहे हो सेक्शन में मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो समझ में आया सो so, सिग्मा अगर कांस्टेंट है जेड को बढ़ाया तो क्या हुआ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी अगर एम कांस्टेंट है आपने जेड को बढ़ा दिया तो क्या हो गया चांस ऑफ फेलियर कम हो गया ना इससे क्या समझ में आ रहा है इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो जेड है ये जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये जेड रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन इन बेंडिंग ये क्रॉस सेक्शन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है इन बेंडिंग कि अगर आप क्रॉस सेक्शन Z को बढ़ा दिया तो चांस ऑफ फेलियर कम हो गए क्रॉस सेक्शन में आपने Z को बढ़ा दिया सिग्मा मैक्स कांस्टेंट रखा तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी सेम रहा तो ये Z क्या बता रहा है ये Z बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ अ सेक्शन इन बेंडिंग ठीक है अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होगा कि यार ये कैसे जेड कैसे बता सकता है स्ट्रेंथ सो so, आप देखिए यहाँ पे इसको आप को रिलेट करिए बायल एक्सियल बार एंड इस बार के ऊपर हमने क्या किया एक फोर्स लगाया है पी एक्शियल फोर्स लगाया है पी ठीक है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए सो कैन यू राइट सिग्मा दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस इज पी बाय लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वस टू पी बाय सिग्मा मैक्स भी पी बाय होगा क्योंकि इन द केस ऑफ एक्शियल लोडिंग क्या होता है द स्ट्रेसेज नॉर्मल स्ट्रेसेज आर यूनिफॉर्म अक्रॉस द सेक्शन तो सिग्मा इज इक्वस टू

तो जितना ज्यादा आप एरिया को बढ़ाओगे उतने स्ट्रेसेस कम आएंगे ठीक है so सो ये पहला कंक्लूजन हो गया हमारा सिमिलरली हमने बेंडिंग में भी तो यही किया था कि मोमेंट को कांस्टेंट कर दिया मोमेंट इज कांस्टेंट तो जितना ज्यादा आपने जेड को बढ़ाया उतने क्या हुए मैक्सिमम स्ट्रेस रिड्यूस हो गया उतना स्ट्रेसेस रिड्यूस हो गया सेकेंड देखें सेकेंड क्या किया हमने स्ट्रेस को कॉन्स्टेंट कर दिया कि भाई इससे ज्यादा स्ट्रेस आ नहीं सकते क्रॉस सेक्शन में हम आने ही नहीं देंगे तो आपने अगर सिग्मा को कांस्टेंट कर दिया है और आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो पी को भी बढ़ा सकते हो समझ में आया तो अगर आपने एरिया बढ़ाया तो पी भी बढ़ा सकते हो तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस सेक्शन की स्ट्रेंथ इन इन एक्चुअल लोडिंग एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस सेक्शन की स्ट्रेंथ इन एक्चुअल लोडिंग आप यही तो करोगे अगर आपने एक एक्जल मेंबर बनाना है एक्जल मेंबर बनाना है और वो फेल कर रहा है तो आप क्या बोलोगे भाई एरिया बढ़ा दे अगर मेंबर फेल कर रहा है तो एरिया बढ़ा दे अगर आपको कोई एक्जल मेंबर बनाना है और वो फेल हो रहा है तो आप बोलोगे एरिया बढ़ा दे सिमिलरली अगर आपको कोई बीम बनाना है और वो फेल हो रहा है तो आप क्या बोलोगे भाई जेड बढ़ा दें समझ में आया तो यहाँ पे एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन इन लोडिंग और यहाँ पे जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन इन बेंडिंग क्लियर है समझ में आया नाउ प्लीज राइट डाउन अ नोट बिलो दिस इसके नीचे आप एक नोट लिखिए ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट सेक्शन मॉड्यूल रिप्रेजेंट्स सेक्शन रिप्रेजेंट्स रजिस्टेंस ऑफ सेक्शन अगेंस्ट बेंडिंग और यू कैन राइट इट एज कैपेसिटी ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कर कर रहा रहा है? है किसके सेक्शन के ठीक है नाउ अब हमने इस इक्वेशन में द इक्वेशन दैट इज सिग्मा मैक्स इज इक्व टू एम नाउ देखिए हमने अभी एक बार हमने एम को कांस्टेंट किया सिग्मा मैक्स और जेड में रिलेशन देखा फिर हमने सिग्मा मैक्स को कांस्टेंट किया एम और जेड में रिलेशन देखा नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू टेक जेड एज कांस्टेंट अब जेड को हम कांस्टेंट कर रहे हैं एंड सिग्मा मैक्स और एम में रिलेशन देख रहे हैं सो व्हाट आई एम डूइंग इज इफ जेड इज कॉन्स्टेंट आई एम मेकिंग जेड एज कॉन्स्टेंट सो जितना ज्यादा मोमेंट लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेसेस आएंगे जितना ज्यादा आप मोमेंट अप्लाई करेंगे ऑन क्रॉस सेक्शन उतना ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेसेस की वैल्यू आएगी ना हो वॉट यू आर गोइंग? आपने जेड को कॉन्स्टेंट कर दिया जेड को कॉन्स्टेंट कर दिया मतलब आपने क्रॉस सेक्शन को फिक्स कर दिया z इज अ क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी आपने क्रॉस सेक्शन को फिक्स कर दिया और आप बेंडिंग मोमेंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं लोडिंग को इंक्रीज करते जा रहे तो उससे क्या हो रहा है स्ट्रेसेस ना स्ट्रेस बढ़ाया हमने क्या किया मोमेंट को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए उससे क्या होगा स्ट्रेसेस बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रेसेस बढ़ते 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 क्या हो गया परमिशिबल स्ट्रेस के लेवल पे आ गया So, if stress is equals to permissible stresses, when sigma max becomes equals to maximum permissible stress, maximum permissible stress. Now, this is also called as design stress. Now, corresponding to sigma max is equals to permissible stress, or you can say design stress. जो मोमेंट आपने अप्लाई किया उसको क्या बोलेंगे डैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम ओ आर इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन करस्पॉन्डिंग टू द डिजाइन स्ट्रेस नाउ जनरली जनरली जो डिजाइन स्ट्रेस लिया जाता है फॉर डिजाइनिंग ऑफ बीम्स या बेंडिंग में अगर आपको कोई क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करना है तो जनरली जो डिजाइन स्ट्रेस लिया जाता है दैट इज सिग्मा वाई सो इफ सिग्मा मैक्स इज टू सिग्मा वाई इसके करस्पोन्डिंग जो मोमेंट है डेट इज वॉट डैट इज मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस सो मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस वो मोमेंट है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट है जिसपे की स्ट्रसेस सिग्मा वाई से एक्सीड नहीं कर रहे हैं। समझ में आया तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम मोमेंट है जो क्रॉस सेक्शन बी कर सकता है विदाउट फेलियर फेलियर को क्या बोलोगे जब स्ट्रेसेस पॉमिसिबल मैक्सिमम स्ट्रेस से एक्सिट कर जाए या तो जब स्ट्रेसेस डिजाइन स्ट्रेस से एक्सिट कर जाए तो जब स्ट्रेसेस सिग्मा वाई से एक्सीड कर जाएंगे तो आप क्या बोलोगे वो क्रॉस सेक्शन फेल हो गया है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज दैट मैक्सिमम स्ट्रेस जो आप क्रॉस सेक्शन पे लगा सकते हैं विदाउट फेलियर ऑफ द क्रॉस सेक्शन और विदाउट एक्सीडिंग द मैक्सिम स्ट्रेस देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई से ज्यादा एक्सीड किए बिना जो आप मैक्सिमम मोवमेंट लगा सकते हो क्रॉस सेक्शन पे दैट इज कॉल्ड इज वॉट मोवमेंट ऑफ रजिस्टेंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन नाउ प्लीज राइट डाउन अ नोट इन दिस एमओ आर इज मैक्सीम मोमेंट दैट कैन बी कैरिड बाई अ सेक्शन विदाउट फेलियर नाउ ये जो फेलियर है ये डिपेंड करेगा किस पे डिजाइनर पे कि डिजाइनर क्या बोल रहा है कि किस चीज को फेलियर डिजाइनर डिफाइन कर रहा है जनरली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को फेलियर कहा जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट इज वेन सिग्मा इज मोर देन सिग्मा वाई इट इज मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिसन सो मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस एमओ आर इज नथिंग बट सिग्मा वाई इंटू जेड इन जनरल इट इज सिग्मा वाई इंटू जेड बट ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पे सिग्मा वाई की जगह अगर आपने फेलियर को डिफाइन किया है एज अ फ्रैक्चर स्ट्रेस ठीक है अगर फ्रैक्चर को आपने फेलियर डिफाइन किया है तो एमओ आर विल बी फ्रैक्चर स्ट्रेस इंटू जेड ठीक है बट इन जनरल इट इज सिग्मा वाई इंटू जेड होता है एमओ आर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट सिग्मा वाई इंटू जेड क्लियर है समझ में आ गया देखिए इतना जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है इससे आपको मोटा मोटा ये समझ में आ रहा होगा कि जो बेंडिंग है बेंडिंग में जेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डैट इज सेक्शन मॉडलर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेक्शन मॉडलर्स ही डिफाइन कर रहा है कि कितना मोवमेंट कैरी कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल कोई सेक्शन कितना मोवमेंट कैरी कर सकता है तो जेड जो है जेड इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन बेंडिंग that is why our next topic is comparison of the value of z for different types of section so now what we will do we will compare different sections which are made of same material same material ka kya hai? that maximum permissible stresses are same that is sigma y is same and having equal area सो वॉट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू कम्पेयर डिफरेंट सेक्शंस अलग अलग सेक्शन का कंपेरिजन करेंगे जिनका मटेरियल भी सेम है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है ठीक है मतलब मटेरियल भी सेम है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है

क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को सेम रखा है ठीक है मटेरियल के टाइप को भी सेम रखा है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को भी सेम रखा है सिर्फ आप क्या कर रहे शेप को चेंज कर दे रहे तो शेप के चेंज करने से आपका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी सेक्शन का बढ़ रहा है या कम हो रहा है इस चीज को हम एनालाइज करने वाले सो इफ यू कीप इफ यू कीप क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज सेम दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका सेम है एंड मटेरियल सेम है तो ये तो Z फॉर I सेक्शन इज मैक्सिमम ये देखा गया है कि I सेक्शन का जो Z है डाट इज मैक्सिमम एंड सर्क्यूलर सेक्शन का जो Z है डाट इज मिनिमम डैट मीन्स अगर आपने सेम मटेरियल लिया है सेम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लिया है उससे आपने एक I सेक्शन बनाया और एक सर्कुलर सेक्शन बनाया तो I सेक्शन का Z जो है ज्यादा होगा स आई सेक्शन ज्यादा मूवमेंट कैरी करेगा बिफोर फेलियर एस कंपेयर टू सर्कुलर सेक्शन तो सर्क्यूलर सेक्शन कम मूवमेंट पे फेल हो जाएगा आई सेक्शन ज्यादा मूवमेंट कैरी कर जाएगा फॉर द सेम मटेरियल फॉर द सेम क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल एंड फॉर द सेम क्वालिटी ऑफ मटेरियल समझ में आया क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल दैट इज मटेरियल भी सेम है आपने एक आई सेक्शन बनाया एक सर्कुलर सेक्शन बनाया दोनों के ऊपर आप क्या कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं तो आई सेक्शन को फेल करने के लिए आपको ज्यादा मोमेंट लगाना पड़ेगा सर्कुलर सेक्शन को फेल करने के लिए कम मोमेंट पे सर्कुलर सेक्शन फेल हो जाएगा क्यों क्योंकि आई सेक्शन का जो सेक्शन मॉड्यूलस है वो ज़्यादा है सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन कम है प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दोनों क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम है दोनों क्रॉस सेक्शन का मटेरियल सेम है मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से आपने एक बार आई सेक्शन बनाए सेम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से एक बार आपने सर्कुलर सेक्शन बनाए सो प्लीज राइट इन दिस इन केस ऑफ बेंडिंग आई सेक्शन इज स्ट्रॉगर देन रेक्टेंगुलर सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन इज स्ट्रोंगर देन स्क्वायर सेक्शन एंड स्क्वायर सेक्शन इज स्ट्रोंगर देन सर्कुलर सेक्शन नाओग यहाँ पे आप एक स्टार मार्क लगाएंगे इस स्टार मार्क के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे नाउ ये जो तीन स्टेटमेंट्स लिखे है दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर वैलिड वेन द सेक्शंस आर मेड ऑफ सेम मटीरियल एंड हैव इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो so, ये जो हमने ऊपर स्टेटमेंट्स लिखे हैं तीन ये तीन स्टेटमेंट्स का वैलिड है व्हेन दिस सेक्शन दैट इज आई सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन सर्कुलर सेक्शन एंड स्क्वायर सेक्शन ये चारों सेक्शंस आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड दे आर हैविंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है समझ में आ गया सो आई सेक्शन के लिए Z मैक्सिमम होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए Z मिनिमम होता है ना अब रेक्टेंगल और स्क्वायर सेक्शन का जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें मैंने एक स्टार मार्क लगाया है इस स्टार मार्क का मतलब है और रेक्टेंगुलर सेक्शन D शुड बी ग्रेटर देन B अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन का डेप्थ ज्यादा है देन ओनली यू कैन से रेक्टेंगुलर से हो जाएगा देखिए कैसे हम क्या कर रहे हैं हम रेक्टेंगुलर सेक्शन को एनालाइज करेंगे रेक्टेंगुलर एंड स्क्र सेक्शन को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फिक्स कर देता हूँ सो आई एज्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सिक्सटीन मीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या किया मैंने फिक्स कर दिया है सिक्सटीन मीटर स्क्वायर और मैं इस सिक्सटीन मीटर स्क्वायर से एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसका कि बी ज़्यादा है डी से फिर सिक्सटीन मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर बनाऊंगा फिर सिक्सटीन मीटर स्क्वायर का एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसका कि डेप्थ ज़्यादा है विथ से और एनालाइज करूंगा जेड को तो सबसे पहले मैंने क्या किया एक सिक्सटीन मीटर स्क्वायर का रेक्टेंगल बनाया दैट इज एट क्रॉस टू सो इन दिस बी इज ग्रेटर देन डी सो इसका जेड कितना हो जाएगा जेड विल बी इक्वल्स टू एट इंटू टू का स्क्वायर बाय सिक्स ठीक है सो जेड इज एट इंटू टू का स्क्वायर बाय सिक्स अब मैं स्क्वायर बना रहा हूँ सो दिस इज अ स्क्वायर इट इज फोर क्रॉस फोर तो इसका जेड हो जाएगा फोर इंटू फोर का स्क्वायर बाय सिक्स एंड अब मैं बना रहा हूँ एक रिक्टल जिसका कि डेप्थ ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेट दिस इज टू दिस इज एट सो जेड इज टू टू इन टिक्स नाउ इन ऑल द थ्री केसेस आप देखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सिक्सटीन मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सिक्सटीन मीटर स्क्वायर बट वो रेक्टेंगल जिसका कि डेप्थ कम है विथ्थ ज्यादा है डेप्थ कम है विथ्थ ज्यादा है उसका जेड कम है फिर स्क्वायर का जेट ज्यादा है एज कंपेयर टू रेक्टेंगल स्क्ट ज्यादा है दैट दिस स्क्वायर सेक्शन इज स्ट्रॉगर इन बेंडिंग देन दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन समझ में आया तो हर रेक्टेंगुलर सेक्शन स्ट्रॉगर इन बेंडिंग देन स्क्वायर सेक्शन नहीं होता है सिर्फ वो रेक्टेंगुलर सेक्शन स्ट्रॉगर होंगे जिन रेक्टेंगुलर सेक्शन का डेप्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट डेप्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट वो रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होंगे स्क्वायर सेक्शन से स्ट्रोंगर होंगे अगर विथ ज्यादा है डेप्थ कम है तो वो रेक्टेंगुलर सेक्शन वीक है स्क्वायर स्ट्रोंगर है ठीक है अगर डेप्थ ज्यादा है विथ कम है तो वो रेक्टेंगुलर सेक्शन स्ट्रांग है स्क्वायर सेक्शन वीक है सो so, हम बोल रहे हैं दैट रेक्टेंगुलर सेक्शन आर स्ट्रांगर देन स्क्वायर सेक्शन प्रोवाइडेड कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो डेप्थ है दैट इज मोर एज कंपेयर टू विथ क्लियर है समझ में आया ये सो so, Z Z फॉर आई सेक्शन इज ग्रेटर देन Z फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन प्रोवाइडेड D इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन Z फॉर स्क्वायर सेक्शन इज ग्रेटर देन Z फॉर सर्कुलर सेक्शन प्रोवाइडेड ऑल सेक्शंस आर हैविंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल ठीक है वैसे जो जेड है वो तो मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है बट हम अगर मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस की बात करें तो वहाँ पर मटेरियल रोल प्ले करेगा क्योंकि सिगमा वाई का टर्म तो आ जाता है मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस में इट इज सिगमा वाई इन टू जेड बट अगर सिर्फ आप जेड की बात करोगे तो क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम होना चाहिए क्लियर है समझ में आया तो आई सेक्शन का जो है जेड डेट इज सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है मैक्सिमम होता है नाउ अब एक आप नोट लिखिए एक नोट लिखिए दैट इज फॉर डिजाइनिंग द मेंबर। इस नोट के बारे में अभी हम डिस्कस भी करेंगे और कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा आपको कुछ लॉजिकल रीजन्स भी बताऊंगा फॉर डिजाइनिंग ऑफ मेंबर इन बेंडिंग Z इज प्रेफर्ड ओवर I। कई बार इंटरव्यू में पूछते है ठीक है लॉजिकल डिस्कशन है कई बार इंटरव्यू में पूछते है कि आपको डिजाइन करना है जेड तो को आप प्रेफर करोगे क्या मतलब डिजाइनिंग का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ सपोज देयर इज स्ट्रक्चर देयर इज अ मेंबर इस मेंबर में सपोज आपको ये मेंबर को डिजाइन करना है ठीक है इस मेंबर के लिए आपको मैक्सिमम मोमेंट बता दिया है कि मैक्सिमम मोमेंट इज एम मैक्सिमम मोमेंट दैट इज कमिंग इन दिस स्ट्रक्चर इज एम अब आपको इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है तो आप क्या डिज़ाइन करोगे लेंथ तो पता ही आपको मैक्सिमम मोमेंट पता है अब आपको क्या डिज़ाइन करना है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कि किस क्रॉस सेक्शन एरिया का आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए शेप वगैरह आप डिसाइड करेंगे सो so, आपके पास दो ऑप्शन है आप डिसाइड कर सकते हैं सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू एम बाय आई इंटू वाई मैक्स और आप डिज़ाइन कर सकते हैं सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू एम बाय जेड आपको मैक्सिमम मोमेंट पता है एम इज मैक्सिमम मोमेंट और आपको सिग्मा मैक्स पता है दैट सिग्मा मैक्स इज मैक्सिमम पॉमिशिबल स्ट्रेस ठीक है सिग्मा मैक्स क्या है इट इज द मैक्सिमम पॉमिशिबल स्ट्रेस व्हिच इज अलाउड फॉर द मटेरियल जिस मटेरियल से आपने बीम को बनाया है और एम क्या है एम इज द मैक्सिमम मोमेंट जो इस पे हम लगा रहे हैं तो आप बताइए इस स्ट्रक्चर को आप डिजाइन करेंगे बाय द फर्स्ट फार्मूला और बाय द सेकेंड फार्मूला ठीक तो है आपको क्या डिजाइन करना है आपको क्रॉस सेक्शन डिजाइन करना है तो क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करने के लिए जो डिजाइनर है वो सेकेंड फॉर्मूला को प्रिफर करेंगे दैट इज वो डिजाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेड जेड के बेसिस पे डिजाइन करेंगे आई के बेसिस पे डिजाइन नहीं करेंगे क्यूँ डिजाइन नहीं करेंगे आई के बेसिस पे देखिए उसका रीजन ये है कि सपोज उन्होंने एक क्रॉस सेक्शन लिया अज्यूम किया कि ये क्रॉस सेक्शन है फॉर दिस क्रॉस सेक्शन हमने 100 किलो न्यूटन मीटर का स्ट्रेस मोमेंट लगाया है एक क्रॉस सेक्शन सपोज एजूम कर लिया उस क्रॉस सेक्शन पे 100 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लगा दिया और स्ट्रेसेस आ रहे हैं कितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ठीक है क्रॉस सेक्शन अज्यूम किया उस क्रॉस सेक्शन पे क्या क्या हंड्रेड न्यूटन मीटर का मोमेंट लगाया और हंड्रेड न्यूटन मीटर के मोमेंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस आ रहे थे मैक्सिमम स्ट्रेसेस हंड्रेड न्यूटन पर एमएम स्कूल ठीक है अब क्या हुआ कि मटेरियल का जो मैक्सिमम पॉमिसिबल स्ट्रेस है वो कितना है दैट इज न्यूटन पर स्क्वायर उससे ज्यादा नहीं आ सकता तो डिजाइनर जो है वो फर्स्ट वाले फॉर्मूला से डिजाइन कर रहा था उसने क्या बोला ठीक है मोमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते मोमेंट तो एक्सटर्नल लग रहा है हंड्रेड न्यूटन पर एम हंड्रेड न्यूटन मीटर मोमेंट लग रहा है मैक्सिमम स्ट्रेसेस 80 से ज्यादा आ नहीं सकते तो क्या करेंगे आई को बढ़ाओ

बाय अ सर्कुलर सेक्शन डिजाइनर डिजाइन कर रहा था बाय अ सर्कुलर सेक्शन डिजाइनर ने सर्कुलर सेक्शन से डिजाइन किया नाउ जब सर्कुलर सेक्शन से डिजाइन किया तो डिजाइनर ने क्या किया फॉर अ पर्टिकुलर सर्कुलर सेक्शन उसका आई कैलकुलेट किया वाई मैक्स कैलकुलेट किया मोमेंट लगाया ही था हंड्रेड न्यूटन मीटर उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा मैक्स क्या आया सिग्मा मैक्स आया 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो डिजाइनर ने क्या बोला कि भाई इसका एरिया बढ़ाओ इसका आई बढ़ाओ तो क्या होगा इससे आई बढ़ेगा तो सिग्मा मैक्स जो है क्या हो जाएगा कम हो जाएगा एक दूसरा डिजाइनर आया उसने क्या बोला कि नहीं इसका एरिया कम कर दो इसका एरिया कैसे कम कर दिया उसने उसने इसके टॉप और बॉटम से क्या किया टॉप और बॉटम से कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव कर दिया ठीक है एक और डिजाइनर आया पहले डिजाइनर ने क्या बोला इसका आई बढ़ाओ इसका आई बढ़ाओ मतलब इसका आप क्या करो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा हो तो उससे क्या होगा आई बढ़ेगा आई बढ़ेगा तो सिग्मा मैक्स कम हो जाएगा दूसरे डिजाइनर ने क्या किया दूसरे डिजाइनर ने आके इसका एरिया कम कर दिया टॉप एंड बॉटम से नाउ जैसे इसने टॉप एंड बॉटम से थोड़ा थोड़ा एरिया कम किया क्या हो गया सडनली देखा तो सिग्मा मैक्स जो है वो क्या हो गया सिग्मा मैक्स कम हो गया मतलब क्या हो गया अगर उसने टॉप और बॉटम से थोड़ा थोड़ा एरिया रिमूव किया सर्कुलर सेक्शन का तो उससे क्या हुआ आई रिड्यूस हुआ है डिजाइनर क्या बोल रहा था आई को बढ़ाओ बट उसने आई को रिड्यूस किया टॉप एंड बॉटम से एरिया रिमूव किया तो क्या हुआ रिड्यूस हुआ आई रिड्यूस हुआ पर वाई मैक्स क्या हो गया वाई मैक्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया उससे क्या हो गया सिग्मा मैक्स की वैल्यू कम हो गई समझ में आया सो so, जब यहाँ पे एक सर्कुलर सेक्शन था उसके लिए क्या रहा था उसके लिए स्ट्रेसेस ज्यादा आ रहे थे अब क्या किया उसने टॉप एंड बॉटम में से थोड़ा थोड़ा मटेरियल को रिमूव कर दिया तो क्या हो गया आई रिड्यूस हो गया जबकि डिजाइनर क्या बोल रहा था आई बढ़ाओ बट यहाँ पे आई रिड्यूस हो गया बट उसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या हुआ वाई ज्यादा रिड्यूस हो गया तो सिग्मा मैक्स क्या हो गया सिग्मा मैक्स रिड्यूस हो गया दैट इज वाई डिजाइनर क्या करते हैं इस आई और वाई के लफड़े में बढ़ते नहीं आई और वाई के डिस्कशन में जाते नहीं डायरेक्ट किसके डिस्कशन में आते जेड के डिस्कशन में क्यू आई और वाई के डिस्कशन में नहीं जाते बिकॉज ये जो जेड है ये बेटर रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शन का रजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग ठीक है आई तो क्या है आई को आप चेंज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई भी चेंज होगा तो आई को बढ़ाया तो वाई भी बढ़ेगा आई को कम किया तो वाई भी कम होगा तो इन दोनों दो से आप बता नहीं सकते कि सिग्मा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बट Z जो है वो आपको क्लियर कट इंडिकेशन देता है अगर Z को बढ़ाओगे तो क्या होगा सिग्मा कम होगा जेड को कम करोगे तो क्या होगा सिग्मा बढ़ेगा जनरली जनरली क्या बोला जाता है जनरली ये बोला जाता है कि अगर आप आई को बढ़ाओगे तो सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बट दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस इस केस में भी ये ट्रू नहीं है अगर आपने एक सर्कुलर सेक्शन लिया है उसके टॉप से और बॉटम से थोड़ा थोड़ा मटेरियल को अगर आपने रिमूव कर दिया तो इन दैट केस क्या हो रहा है इसका आई रिड्यूस हो रहा है बट इसका आई रिड्यूस हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है आई इज गेटिंग रिड्यूस पर वाई जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूज हो रहा है समझ में आया अगर Z increase हो गया, तो क्या हो गया मटेरियल तो जो है, है? स्ट्रॉन्ग हो गया है समझ में आया तो ऐसा जरूरी नहीं है हर टाइम की आई इंक्रीज होगा तभी सिग्मा मैक्स रिड्यूस होगा ये केस भी पॉसिबल है जिसमें आप आई को रिड्यूस करके सिग्मा मैक्स को क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं आई की वैल्यू को रिड्यूस करके सिग्मा मैक्स की वैल्यू को रिड्यूस कर आई क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है किसको रजिस्टेंस अगेंस्ट पेंडिंग को क्योंकि आई को जैसे ही आप चेंज करोगे वैसे ही वाई भी चेंज हो जाएगा सो इन दिस केस क्या हुआ आई रिड्यूस हो गया है पर सिग्मा मैक्स भी Reduce हुआ। Generally, इस equation से आई रिड्यूस होगा तो क्या होना चाहिए sigma max बढ़ना चाहिए यहां पे हमने I को रिड्यूस तो हो गया reduce हो गया तो अगर आपसे थियोरिटिकली पूछेगा एग्जाम में कि अगर आई को रिड्यूस किया है तो सिग्मा मैक्स बढ़ेगा या कम होगा और ऑप्शन में दिया है कांड बी सेड नन ऑफ दबो यू विल राइट नन ऑफ दबो ठीक है को रिड्यूस करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिग्मा मैक्स बढ़ेगा ही या आई को बढ़ाओगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिग्मा मैक्स कम ही होगा इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे आपने ही लिया है आई को रिड्यूस किया है उससे क्या हो रहा है सिग्मा मैक्स रिड्यूस हो रहा है बढ़ना चाहिए था पर रिड्यूस हो रहा है समझ में आया सो यू कैन नॉट से ऑलवेज कि आई की वैल्यू को आप रिड्यूस करोगे तो सिग्मा बढ़ेगा आई को रिड्यूस करोगे तो सिग्मा रिड्यूस भी हो सकता है एक एग्जांपल आपके सामने ये इसके मैं फैक्ट्स बता दूंगा आपको कि कितना मटेरियल रिमूव करने से कितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज आता है जेड में ये अभी हम आपको बताएंगे एक और एग्जाम्पल है इसका देयर इज अ डायमंड सेक्शन सो आई एम कंसिडरिंग अ डायमंड सेक्शन सो दिस इज अ डायमंड सेक्शन नाउ डायमंड सेक्शन क्या होता है डायमंड सेक्शन कुछ नहीं होता है डायमंड सेक्शन इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन बस रेक्टेंगल को क्या करना है आपको रोटेट कर देना है बाय 45 डिग्री अगर आप रेक्टेंगल को रोटेट कर दोगे बाय 45 डिग्री तो क्या बन जाएगा डायमंड सेक्शन ठीक है इसका साइड्स कितना है बी एंड बी ये क्या था दिस वाज अ सर्कुलर सेक्शन इसका डायमीटर था डी नाउ सिमिलरली जो हमने किया था सर्कुलर सेक्शन में कि टॉप एंड बॉटम से क्या किया कुछ मटेरियल को रिमूव कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ आई रिड्यूस हुआ बट वाई मैक्स करस्पॉन्डिंगली ज्यादा रिड्यूस हुआ और जेड बढ़ गया यहाँ पे क्या करेंगे हम डायमंड सेक्शन में भी टॉप एंड बॉटम से कुछ मटेरियल को रिमूव करेंगे जब आप डायमंड सेक्शन से टॉप एंड बॉटम से मटेरियल को रिड्यूस करेंगे तो इससे क्या होगा इसका आई रिड्यूस होगा बट वाई मैक्स करस्पॉन्डिंगली बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा जिसकी वजह से जेड क्या है इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स आई को रिड्यूस किया पर सिग्मा मैक्स क्या हो गया सिग्मा मैक्स रिड्यूस हो गया हियर भी आई को रिड्यूस किया सिग्मा मैक्स क्या हो गया रिड्यूस हो गया बट जनरली क्या होना चाहिए सिग्मा मैक्स इंक्रीज होना चाहिए बट इट आर द एक्सेप्शन इसलिए आप हमेशा नहीं बोल सकते कि आय को रिड्यूस करोगे तो सिग्मा मैक्स बढ़ेगा ठीक है आप ये नहीं बोल सकते अब फैक्ट्स की बात कर लेते हैं डैट कितना रिड्यूस करोगे तो कितना बढ़ेगा जब आप इसको यहाँ से रिड्यूस करेंगे जीरो पॉइंट वन वन डी तो इसके करस्पॉन्डिंग जीरो पॉइंट सेवन परसेंट इंक्रीमेंट होगा इसमें स्ट्रेंथ में सो जीरो पॉइंट वन वन डी आप रिड्यूस करोगे तो जीरो पॉइंट सेवन परसेंट स्ट्रेंथ में इंक्रीज होगा एंड इसको आप स्लांट डायरेक्शन में अगर बी बाई नाइन से रिड्यूस करोगे तो फाइव पॉइंट थ्री फाइव परसेंट स्ट्रेंथ में इंक्रीज आएगा अगर आप सर्कुलर सेक्शन से टॉप एंड बॉटम से मटेरियल को रिमूव करोगे कितना पॉइंट वन वन डी मैक्सिमम रिमूव करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है पॉइंट सेवन परसेंट स्ट्रेंथ बढ़ सकता है और डायमंड सेक्शन में अगर आप बी बाय नाइन रिमूव करोगे बी बाय नाइन इज नॉट वर्टिकल बी बाय नाइन इज अलोंग द साइड्स अलोंग द साइड्स है ठीक है तो कितना स्ट्रेंथ बढ़ेगा फाइव तो प्लीज राइट डाउन अ नोट इन दिस इफ अ सर्क्यूलर सेक्शन इज यूज इन द केस ऑफ बेंडिंग इट्स स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाई कटिंग टॉप एंड बॉटम पोर्शन आई शोन इन फिगर एन इन फिगर अबो सो अगर सर्क्युलर सेक्शन को आप बेंडिंग में यूज कर रहे तो आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं अगर आप टॉप एंड बॉटम से कुछ कुछ पोर्शन ऑफ मटीरियल रिमूव कर दे कितना स्ट्रेंथ बढ़ सकता है इन सच केसेस इन सच केस स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली जीरो पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है पॉइंट सेवन परसेंट से आप स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो जब आप कितना मटेरियल रिमूव करेंगे पॉइंट वन वन डी टॉप से पॉइंट वन वन डी बॉटम से ऐसा नहीं कि आपने रिमूव करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो स्ट्रेंथ बढ़ते है अप टू सर्टेन लिमिट ऐसा होगा कि आई रिड्यूस होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई मैक्स बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा और जेड बढ़ेगा अप टू सर्टेन लिमिट हो सकता है यहाँ पे कितना लिमिट है पॉइंट वन वन डी तक आप ऐसा करेंगे तो आई रिड्यूस होगा उसके करस्पॉन्डिंग रिड्यूस होगा तो जेड बढ़ेगा इसके बाद क्या होगा आई तो रिड्यूस होगा ही पर वाई मैक्स करस्पॉन्डिंगली कम रिड्यूस होगा तो जेड क्या होगा कम होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं सिमिलरली देखिए इन द केस ऑफ सिमिलरली इफ अ डायमंड सेक्शन इज यूज और बेंडिंग इट्स स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय कटिंग टॉप एंड बॉटम कॉर्नर्स शोन इन फिगर ए शोन इन फिगर अबो ठीक है तो डायमंड सेक्शन में भी सेम आप क्या कर सकते स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते बाय कटिंग टॉप एंड बॉटम कॉर्नर्स कितना इंक्रीज कर सकते इन सच केस स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली फाइव पॉइंट थ्री फाइव परसेंट कितना इंक्रीज कर सकते हैं आप फाइव पॉइंट थ्री फाइव परसेंट इंक्रीज कर सकते कब जब आप मटेरियल को रिमूव करेंगे बाय बी बाय नाइन बी बाय नाइन से आप मटेरियल को रिमूव करेंगे तो स्ट्रेंथ कितना इंक्रीज होगा फाइव पॉइंट थ्री फाइव परसेंट इससे ज्यादा रिमूव करोगे तो स्ट्रेंथ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा क्लियर है समझ में आया सो आई होप कि आपको बेंडिंग uh, स्ट्रेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे दिस इज इट फॉर द टूडेज क्लास विल मीट इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू